मोस्ट वेलकम डॉग्स TRN फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरी डॉग्स TRN फैमिली में, जो अभी छोटी सी है। अगर आपकी सपोर्ट होगी तो बहुत बड़ी होने वाली है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बेल आइकन दबा के आप फ्री में नोटिफिकेशन पा सकते हैं, तो आपको मेरी वीडियो ऐसे ही फ्री में मिलती रहेंगी और आप फ्री में एंजॉय ले सकते हैं, मेरी वीडियो से नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसी ही पैट के रिकॉर्डिंग, डॉग के रिकॉर्डिंग, जो भी डॉग में आपको प्रॉब्लम है या ट्रेनिंग टिप्स हैं या ब्रीड की नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मेरी फैमिली में ज्वाइन हो सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, केवल आपको छोटा सा काम करना होता है। एक रेड कलर का नीचे आइकन है, उसको टैप करके आप फ्री में ज्वाइनिंग हो सकते हैं। तो उसमें आपको मेरी जो भी वीडियो आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। अदरवाइज आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप यही वीडियो देख पाएंगे, आगे की जो वीडियो है वो मिस कर देंगे आप बिना सब्सक्राइब किए। तो आज का टॉपिक आपने देख रखा है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप अपने डॉग को, अपने पैट को, अपने स्ट्रीट डॉग को या देसी डॉग को आप कैसे बुलाने के लिए कमांड देते हैं, वो नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं। इसी विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ छोटे छोटे से आइडिया, और उससे आपका डॉग आने लग जाएगा। मेरी उम्मीद है ऐसा कि आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेट इस वीडियो से, वीडियो को देखकर आप कर सकते हैं इस काम को। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने डॉग को बुलाना चाहते हैं अपने पास में और अगर वो नहीं आता है, तो उसके कई रीजन होते हैं। क्योंकि स्ट्रीट डॉग का जो सिम्टम्स होता है थोड़ा टिपिकल होता है, ट्रेनिंग करना उसको कभी कभी काफ़ी इजी होता है डॉग को ट्रेन करना, कभी कभी काफ़ी टिपिकल लग जाता है। तो वो आप देख सकते हैं, जैसे कि अर्चना झा ने मेरे को कमेंट किया था कि उनके बुलाने से नहीं आता है, तो उसका रीजन क्या होता है मैं वही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप पहले सबसे पहले आप स्टार्ट करें उसकी फीलिंग को समझना, उसके सेंस क्या है, उसका कैटेगरी क्या है। उस डॉग की कैटेगरी को समझें कि अगर वो थोड़ा लेजी है तो आप उसको ज़्यादा टाइट ना करें, ज़्यादा हाई कमांड ना दें, नाराज ना हो आप। हमारी ह्यूमन कैटेगरी में भी ऐसा होता है, वैसे ही डॉग में होता है। और डॉग्स में जो इंडियन डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आपके स्ट्रीट डॉग में क्या होता है कि कोई कोई आपको बहुत प्यार करने वाला मिल जाएगा, बहुत कोई होगा कि आप थोड़ा सा भी प्यार करेंगे या कुछ भी खिलाएंगे वो खाएगा ही नहीं और गुस्सा और करेगा कि हाँ पता नहीं क्या है, उसको खतरा महसूस होता है या नहीं होता है। तो वही चीज़ देखनी है आपको अपने पेट के साथ में। टाइम पे अगर आप जो भी कमांड देते हैं कम का या आने का, तो अगर आप उसको बुलाना चाहते हैं नहीं आता है, तो पहले उसको देख लें कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। मतलब वो नॉर्मल कैटेगरी में है या हाई ब्लड लाइन का है। हाई ब्लड लाइन का मतलब गुस्सा आना उसको। अगर लो ब्लड लाइन है तो वो फ्रेंडली होगा। और एक तीसरी कैटेगरी और होती है दोस्तों, वो तीसरी कैटेगरी ये होती है कि आप जो है उसको बहुत ही ज़्यादा लेजी होता है, ना तो वो खेलने मन करता है उसका, ना वो गुस्सा ही दिखाता है। अगर आप उसको उठाते हैं तो वो आता भी नहीं है पास में। तो इस तरीके से उसको ट्रेनिंग कैसे देनी है, तो उसी के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज, ताकि आपको मेरी वीडियो से आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको बेनिफिट हो इस वीडियो को देख के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना है क्या है बुलाने के लिए, पहले तो आप बिना लीज के उसको यूज कराएं। बिना लीज के क्या है कि पहले उसको इंडियन लैंग्वेज में बोलना है। आपको आपने देखा होगा कभी भी कि हम पहले जो डॉग को बुलाते थे तो सीटी मार के बुलाते थे या आओ आओ करके बुलाते थे। तो उसमें क्या है कि आप पहले उसको बोलो कि आओ जैकी, जैकी आओ आओ, चलो आओ, चलो घूमने चलते हैं, आओ 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 आओ, इस तरीके से करना है। फिर भी नहीं आता है तो फिर आप इसको हाथ से ऐसे कर सकते हैं, आओ 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 आओ, आजा आजा आजा, चलो जकी आओ आओ, जो भी नाम है आपके पेट का, तो वो नाम लेके आप इस तरीके से इशारा कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद में भी नहीं आता है तो फिर आओ आओ भी प्लस करना है, उसमें इशारा भी करना है, आओ आओ भी बोलना है, आओ 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 आओ, आजा 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 आजा, इस तरीके से करना है। फिर भी नहीं आता है तो आप सीटी बजा सकते हैं उसके लिए। तो उसमें आप तीनों प्लस कर दीजिए। तो उसमें तीनों प्लस करने के लिए क्या करोगे, आओ 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 जैकी, आजा आजा आजा, चलो 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 घूमने चलते हैं, इस तरीके से आपको प्यार से बात करनी है। और बहुत ज़्यादा लेजी है तो लेजी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि लीस होती है जो गले में पट्टा होता है, एक तो गले का कॉलर होता है उसमें एक पट्टा होता है,
तो वो पट्टा काफी लंबा होता है, तो उसका एक किनारा पकड़ के और दूर जाके ना उसको धीरे धीरे खींचना है आपको अपनी तरफ। अगर बहुत ही ज़्यादा लेजी है, बात ही नहीं सुन रहा, जो भी कुछ बोल रहे हो वो कान पे से उतार रहा है, जैसे कि हमारे इंसान के बच्चों में भी होता है, आपने देखा होगा, आप डांट रहे हो या उसको कुछ बोल रहे हो कि बेटा पढ़ ले या ये कर ले, नहीं वो तो बस अपना या तो गेम खेलने में लग रहा है या कोई भी गेम खेल रहा है या वीडियो गेम खेल रहा है, तो वो एक इग्नोर करने लग जाते हैं ऐसे ही आपका पेट होता है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो समझते सब कुछ है लेकिन अड़ियलपना दिखाते हैं, क्या नहीं नहीं मैं नहीं सुन रहा, बताओ क्या करोगे मेरा, तो इस तरीके से वो बात भी करते हैं। उनको फील करना होता है, उनकी फीलिंग को महसूस करना होता है, वो क्या फील कर रहे हैं और आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से उस बातों को समझना होता है। तो अगर वो ऐसे टेढ़ी निगाह करके देख रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि वो सारी बातें सुन रहा है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता है। आपने देखा होगा चुपचाप यूँ बैठ जाते हैं और यूँ देखते रहते हैं, इस तरीके से देखते रहते हैं डॉग, आपने देखा होगा। तो उस तरीके से ये सारे सेंस होते हैं, उनके समझनी होती है उनकी फीलिंग, उनकी एक्टिविटी को आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि मेरे डॉग की क्या एक्टिविटी है, तो उसी एक्टिविटी से आपको समझना है कि अगर आंखें यूं करके बैठा हुआ है डाउन की पोजीशन में या लेटा हुआ है और आप आवाज़ लगाते हो तो वो देखता है इस तरीके से और फिर वापस कर लेता है अपनी आँखों को, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये मेरी बात को सुन तो रहा है लेकिन वो फॉलो नहीं करना चाहता है, या वो लेजी है, या उसका मन ही नहीं लगता है आपके कमांड को सुनने में, अपनी बातें ज़्यादा मनवाता है आपसे, खाने के लिए आएगा तो तुरंत आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा उस पर देखना है, चेक करना है, उसके बाद में कमांड देना है उसको। तो जैसे कि मैंने बताया, पहले पिनअप पट्टे के उसको बुलाने की कोशिश करो, फिर नहीं आता है तो आप, अगर बहुत ज़्यादा लेजी है तो लेजी के लिए, अगर सुस्त है मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है उसके अंदर और दिखाता है वो आपको सुस्त बना के, बहुत ज़्यादा सुस्ती है उसके अंदर, तो आप पट्टा पकड़ के खींच सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं आता है तो तीसरा स्टेप ये है आपके लिए कि आप कोई भी फेवरेट डिश ले लीजिए उसकी। जैसे कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि डॉग को, पैट्स को टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ख़ास तौर से स्ट्रीट डॉग को टमाटर बहुत पसंद होता है। वैसे टमाटर देना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप 3-4 दिन में एक टमाटर दे सकते हैं उसको, 2 दिन में एक टमाटर दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप छोटे छोटे टमाटर के पीस काट लीजिए और काटने के बाद में उसको दिखाइए दूर से, ये ले जैकी जैकी टाइगर, ये ले कम कम कम, आ जा आ जा आ जा, चलो आओ घूमते चलते ले खाएगा, उसको बात करो, आज खाना है, चलो आओ जल्दी आओ खाएंगे, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। वो उसको आप खिला दो, खिलाने के बाद में थोड़ा सा प्यार करो, फिर दोबारा से वापस से आप उससे 5 कदम दूरी पे चले जाइए, 5 कदम की दूरी पे जाने के बाद में फिर दोबारा उसको बोलिए, तो फिर वो आएगा, खाएगा, खाने के बाद में आप उसकी बॉडी को मतलब प्यार कर सकते हैं बहुत सारा, और प्यार करने के बाद में आप उसको 2 बार रिपीट करना है, एक बार कर लेता है तो प्यार करना है, दो चार मिनट प्यार करके उसके बाद में फिर दोबारा रिपीटेशन देना है, फिर दूर चले जाना है, फिर उसको टमाटर दिखाना है या डॉग बिस्किट है, या ज़्यादातर बॉयल एग ज़्यादा पसंद होते हैं डॉग को, तो आप बॉयल एग का अगर वो शौकीन है तो बॉयल एग आपको दूर से दिखाना है, तो वो आपके पीछे ही पीछे रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर पीछे पीछे रहता है तो आप क्या करते हैं, आप पीछे पीछे रहता है तो बेस्ट है, अगर आपको ट्रेनिंग देनी है तो क्या कर सकते हैं, एक रूम में थोड़ा सा बंद कर सकते हैं, अंडा वंडा छील के, आपने जो बॉयल अंडा ले रखा है या एग ले रखा है, तो उसको आप दूर से दिखाते हैं तो उसको स्मेल आती है तो फिर दरवाज़ा खोल के दूर चले जाओ, भागते हुए चले जाओ या थोड़ी सी वॉक करते हुए चले जाओ, फिर ऐसे भागते भागते बुलाओ उसको, तो वो बड़े प्यार से आएगा। वो 2 चीज़ें हो जाती है उसमें दोस्तों, क्योंकि एक तो वो समझता है कि हाँ ये मेरे साथ खेलना चाहता है, वो इस वजह से आता है। दूसरा स्टेप होता है कि उस आपके हाथ में एग लगा हुआ है, अंडा लगा हुआ है, तो वो अंडा देख के उसकी स्मेल को देख कर आएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर अदरवाइज़ ये 3 स्टेप भी आपके काम में नहीं आती है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेप है वो मैंने बता ही दिया है, टमाटर और अंडे की, ये लास्ट में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में उससे पहले एक कमांड और यूज कर सकते हैं, उससे पहले ये होता है कि आप लीश को बांधो, दूर चले जाओ, उसको थोड़ा सा खींचना, वो तो हो गया मैंने बता दिया आपको, लेकिन अगर आपका डॉग नहीं आता है तो लीश वाला बाद में करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे पहले करना है, कि पहले दूर चले जाओ, दूर जाने के बाद में उसको बोलना है, आओ 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 जैकी, आजो 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 आजो, नहीं आता है वो तो फिर आप क्या करेंगे, खड़े होके बोल रहे हैं तो फिर बैठ के बोलेंगे उसको, धीरे धीरे बैठते जाएंगे फिर बोलते जाएंगे, हेलो काम 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 काम, आओ 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 जैकी 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 आ जाओ,
तो जैसे कि एग्जाम्पल पर ये आप वीडियो देख रहे हैं, साइड में वीडियो चल रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डेमो क्लास है और ये बिल्कुल लाइव बनाई है आपके लिए मैंने ये वीडियो। कोई मैंने इनको पहले ट्रेंड नहीं कर रखा है, ये सारे मेरे स्ट्रीट डॉग हैं, मेरे ही गली में रहते हैं और मेरे से प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। क्योंकि आपको ट्रेंड करने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, दूसरा स्टेप है पेशेंस, पहला स्टेप है प्यार। अगर आपके प्रति प्यार नहीं है तो डॉग नहीं ट्रेंड होगा, पेशेंस नहीं है तो ट्रेंड नहीं होगा। लेकिन आप प्यार कौन से कैटेगरी को डॉग को दिखा रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं ये सारी चीज़ें। पहले आपको देखना है कि आपका डॉग कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर आपके डॉग कैटेगरी में आता है ख़तरनाक कैटेगरी में, तो आप उसको प्यार नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप वो ख़तरनाक है, आप प्यार दिखाओगे तो वो काटेगा और ज़्यादा गुस्सा करेगा, तो वो सुधरेगा नहीं उस टाइम पर। तो उसके लिए आपको यही करना है कि अगर आपका नॉर्मली है, फ्रेंडली है, तो प्यार से आपका ये 3-4 स्टेप बताई हैं, उससे बड़ा प्यार से और बड़े आराम से आपका डॉग ट्रेंड हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं कहता हूँ काफ़ी हार्ड होता है स्ट्रीट डॉग को पढ़ाना, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो स्क्रीन पे देखने में मैंने ये बिल्कुल आपके लिए न्यू ट्रेनिंग दिखाई है, न्यू ट्रेनिंग हैंड टू हैंड मैंने ट्रेनिंग की है और हैंड टू हैंड रिजल्ट दिखाया है आपको इस वीडियो में। कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि मैं 5 महीने से उनको ट्रेंड कर रहा हूँ या 6 महीने से ट्रेंड कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग डॉग दिखाए हैं, जो सारे यहीं आसपास में ही रहते हैं, मेरी स्ट्रीट में ही रहते हैं, मेरी गली में ही रहते हैं वो। तो उनमें मैं 3-4 डॉग हैं, तीनों चारों की डॉगों की मैंने अलग अलग वीडियो बना के आपको लाइव दिखाई है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी है उसकी। तो इस तरीके से उनकी फीलिंग जैसे मैंने समझी, जिसके साथ में पेशेंस रखना है, और हर के साथ में पेशेंस रखा है, जितनी भी आपने वीडियो देखी है सब में मैंने प्यार से ही बात कर रहा हूँ, प्यार से ही उनको कमांड दे रहा हूँ और वो बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आप नॉर्मली इंडियन लैंग्वेज में यूज करते हैं, आओ 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 बोलते हैं, सीटी बजाते हैं, या उसका आपने कोई भी नाम रख रखा है, भूरा, कालू, चिंपू, तो वो उस चीज़ से ही आने लग जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा प्यार दे देते हो तो फिर वो बिगड़ने लग जाते हैं। तो आपको बिल्कुल लिमिट में रखना है, जितना सब्जी में नमक डाला जाता है उतना ही डॉग के अंदर प्यार डाला जाता है। तो आपको डॉग के अंदर कितने % का प्यार डालना है वो आपको चेक करना है, और उसी हिसाब से आपका डॉग ट्रेंड हो जाएगा। तो यही आज की छोटी सी वीडियो थी आपके लिए और स्पेशल अर्चना झा के लिए। और अगर आपके भी डॉग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए भी ये वीडियो बना दूंगा। अगर आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, बाइटिंग की प्रॉब्लम है, या कोई भी लूज मोशन है, पार्वो इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की आप देख सकते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं जल्दी ही बनाऊँगा आपके लिए। जब तक के लिए बाय।